इस कढ़ाई चिकन को एक बार आपने खा लिया ना तो बार बार इसे ही खाना पसंद करेंगे। ये बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही गजब के स्वाद के साथ बिल्कुल रेस्टोरेंट के जैसा बनकर तैयार होता है। तो चलिए आज मैं आपको कढ़ाई चिकन के साथ साथ कढ़ाई चिकन मसाला भी बनाना बताऊंगी। तो अगर वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये बहुत ही मज़ेदार वीडियो। तो यहाँ पर कढ़ाई चिकन बनाने के लिए मैंने 1 किलो चिकन लिया है और इसे अच्छे से धोकर साफ़ कर लिया है। इसको धोने के लिए मैंने नींबू का रस, नमक और पानी डालकर इसमें 10 मिनट के लिए रख दिया था। उसके बाद इसे अच्छे से मैंने 3 से 4 बार पानी से धोकर साफ़ कर लिया है। तो अब हम कढ़ाई चिकन के लिए मसाला तैयार कर लेते हैं। तो उसके लिए मैंने 2 चम्मच साबुत धनिया लिया है, आधा चम्मच जीरा, आधा चम्मच सौंफ, काली मिर्च लिया है, तेज़पत्ता और लाल मिर्च इसमें ऐड कर देंगे और इसे 1 से 2 मिनट के लिए भून लेंगे। हमें इसे ज़्यादा नहीं भूनना है, बस 1 से 2 मिनट के लिए भूनेंगे। तो इसमें से अच्छी सी खुशबू आ रही है तो ये बिल्कुल तैयार है। तो अब हम इसे एक ग्राइंडर जार में डालकर इसका पेस्ट बनाएंगे। इसे अच्छे से पीस लेंगे, इसे थोड़ा दरदरा ही पीसेंगे। तो अब हम दोबारा से कढ़ाई को रख देंगे गैस पर। इसमें मैंने अपना कुकिंग ऑयल ऐड कर दिया है और इसमें ऐड करेंगे कटे हुए अदरक, लहसुन और कटे हुए प्याज इसमें ऐड कर देंगे। मैंने प्याज को मोटा मोटा इस तरह से कट किया है क्योंकि हमें इसका पेस्ट बनाना है। तो हम इसमें ऐड करेंगे सारे प्याज को और इसको अच्छे से मिक्स करते हुए इसे सॉफ्ट होने तक पका लेंगे। तो मैंने इसे कवर करके छोड़ दिया इसे पकने के लिए। तो एक बार इसे हम चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए प्याज अभी सॉफ्ट सॉफ्ट थोड़ा सा हुआ है। तो अब हम इसे थोड़ा सा मिक्स करेंगे। उसके बाद हम इसमें नमक ऐड कर देंगे। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार ऐड कीजिएगा क्योंकि हमें आगे भी नमक की ज़रूरत पड़ेगी। तो अब हम इसे दोबारा से कवर कर देंगे और इसे छोड़ देंगे जिससे कि और भी सॉफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये प्याज ना बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। तो हम इसे थोड़ा सा मिक्स करके इस तरह से, अब ये प्याज बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। तो अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं और अब हम इसका पेस्ट बना लेंगे ग्राइंडर जार में डालकर। तो दोबारा से मैंने कढ़ाई को रख दिया है गैस पर गर्म होने के लिए और इसमें कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे। उसके बाद मैंने यहाँ पे ये अदरक इस तरह से लंबे लंबे बारीक कट कर लिए हैं और लहसुन को भी इस तरह से लंबे लंबे बारीक साइज में कट कर लिया है। और अब हम इसमें ऐड करेंगे ये प्याज और शिमला मिर्च। मैंने इसे इस तरह चौड़ाई में कट किया है। हमें इसे बस थोड़ा सा फ्राई करना है, ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, इसे पकाना नहीं है। बस तेल में 1 से 2 मिनट के लिए इसे फ्राई कर लेना है। इसे हाई फ्लेम पे फ्राई फ्राई कीजिएगा, नहीं तो ये सॉफ्ट हो जाएगा। हमें इसे बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं करना है। तो ये देखिए प्याज और ये शिमला मिर्च फ्राई हो गया है। मैंने 1 से 2 मिनट के लिए इसे फ्राई किया था। तो अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे इसको। तो अब हम सारे चिकन के पीसेस को एक एक करके इस तेल में ऐड करेंगे क्योंकि हमें इस चिकन को फ्राई करना है, बहुत ही अच्छे से फ्राई करना है। यहाँ पे हमें इसे 80% तक यहीं पे पका लेना है फ्राई करते हुए जिससे कि बहुत ही सॉफ्ट बनकर तैयार होगा। तो सारे चिकन के पीसेस को इसमें ऐड कर दें और इसे अच्छे से मिक्स करते हुए इस तरह से फ्राई कर लेंगे इसको। जब आप इस तरह से चिकन को फ्राई करेंगे ना फ्रेंड्स, ये बहुत ही सॉफ्ट बन जाता है और बहुत ही अच्छा बन के तैयार होता है, बहुत ही सॉफ्ट और जूसी बन के तैयार होता है। तो अब हम इसे कवर कर देंगे और इसे पकने देंगे। तो यहाँ पे हम इसे चेक कर ले रहे हैं एक बार। तो ये चिकन ना चिकन का ना कलर बहुत अच्छे से चेंज हो गया है। ये देखिए चिकन का कलर चेंज हो गया है। तो अब हम इसे एक बार मिक्स करेंगे। और अब हम इसमें नमक ऐड करेंगे। तो नमक आप अपने स्वाद के अनुसार ऐड कीजिएगा। मैं यहाँ पे 2 छोटी चम्मच नमक ऐड कर रही हूँ
और नमक डालते ही ये चिकन ना पानी रिलीज करेगा, जिससे क्या होगा, ये पानी और नमक के साथ जब पकेगा ना ये चिकन, तो बहुत ही सॉफ्ट बन के तैयार होगा। तो इस तरह से आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा चिकन बनाने के लिए। और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसे हमें 10 मिनट तक पकाना है। तो अभी हम इसे 10 मिनट तक पकाएंगे। तो अब हम इसको कवर करके छोड़ देते हैं पकने के लिए। इसे हमें मीडियम फ्लेम पे पकाना है। तो अब हम इसको एक बार चेक कर ले रहे हैं। तो ये देखिए चिकन ने बहुत अच्छे से पानी रिलीज किया है। तो अब हम इसमें 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे और 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे, जिससे ही चिकन का टेस्ट बहुत ही अच्छा हो जाएगा, इसके अंदर तक इसका फ्लेवर जाएगा और बहुत ही अच्छा बन के तैयार होगा। तो अब हम इसे मिक्स करेंगे और इसको और 5 मिनट के लिए पका लेंगे। तो इस तरह से चिकन को फ्राई करने से बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होता है। तो अब हम दोबारा से इसको कवर कर देंगे और इसे मीडियम फ्लेम पर 5 से 6 मिनट के लिए और पका लेंगे। तो ये देखिए चिकन ना बहुत अच्छे से पक गया है। हमने इसे कम से कम 15 से 20 मिनट तक पकाया है, जिससे कि ये बहुत ही सॉफ्ट हो गया है बनकर और इसका फ्लेवर भी अच्छा हो गया है, क्योंकि हमने इसमें लहसुन अदरक और लाल मिर्च का पाउडर ऐड किया था। तो इस तरह से इसे मिक्स करेंगे। तो ये चिकन बहुत अच्छे से फ्राई हो गया है। तो अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। ये बहुत अच्छे से पक गया है। 80% तक हमने चिकन को यहीं पर पका लिया है, बाकी का 20% हम मसाले के साथ इसको पकाएंगे। तो अब दोबारा से मैंने गैस पे रख दिया है कढ़ाई को, और ये चिकन मैंने जो निकाला था ना वहीं वाला तेल है। मैंने थोड़ा सा और तेल इसमें ऐड किया था। तो इसमें कटी हुई हरी मिर्च और ये साबुत गरम मसाले इसमें ऐड कर देंगे। गरम मसाले में मैंने छोटी इलायची, बड़ी इलायची, लौंग और दालचीनी लिया है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे ये प्याज, लहसुन और अदरक का पेस्ट, जिसको हमने फ्राई करके सॉफ्ट करके उसका पेस्ट बनाया था, उसको ऐड कर देंगे इसमें और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। हमें इसे बहुत ही अच्छे से भूनना है, क्योंकि ये भुने नहीं थे, बस हमने इसको सॉफ्ट करके इसका पेस्ट बनाया था। तो अब हम इसे अच्छे से भूनने वाले हैं। तो इस चिकन को आप एक बार ट्राई कीजिएगा फ्रेंड्स। आप ट्राई करेंगे तभी तो पता चलेगा ना कि ये चिकन बना कैसा है। तो आप इसे ट्राई ज़रूर कीजिए। तो इस मसाले को हमें बहुत ही अच्छे से भूनना है, कलर चेंज होने तक अच्छे से भूनना है। तो हमें इस स्टेज तक इसको भूनना है। देखिए इसका कलर कितना चेंज हो गया है। तो ये मसाले जो है ना बहुत अच्छे से भून गए हैं। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे ये टमाटर का पेस्ट। मैंने 3 टमाटर का पेस्ट बनाकर रख लिया था और हम अब इसे में इसको ऐड कर देंगे। टमाटर का पेस्ट डालने से ना फ्रेंड्स, इस चिकन का कलर बहुत ही अच्छा आएगा। हम किसी भी कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर का यूज़ नहीं करेंगे, फिर भी इसका कलर बहुत ही अच्छा आएगा। और अब हम इसमें नमक ऐड कर रहे हैं, जिससे कि ये टमाटर और मसाले बहुत जल्दी पकेंगे और बहुत ही अच्छे से पक जाएंगे। तो अब हम इसे मिक्स करेंगे और इसे अच्छे से इसको भूनेंगे। तो मैं इसको कवर करके भून रही हूँ। तो इसे कवर कर देंगे और इसे पकने देंगे। तो ये देखिए मसाले जो है ना बहुत अच्छे से पक रहे हैं। तो अब हम इसे मिक्स करते हुए इसे और अच्छे से भून लेंगे। हमें इसका कलर चेंज होने तक भूनना है। तो ये देखिए इस मसाले और प्याज का ना कलर बहुत अच्छे से चेंज हो गया है। तो अब हम इसे स्टेज पे इसमें ऐड करेंगे। आधा कप मलाई, मैंने घर की मलाई ली है, तो आधा कप मलाई इसमें ऐड करेंगे और फ्लेम को बिल्कुल लो रखेंगे और इसे तेज़ी से चलाते हुए मिक्स करेंगे। फ्लेम को बिल्कुल लो रखिएगा इस स्टेज पे। तो इस तरह से चलाते हुए हम मलाई को अच्छे से इसमें मिक्स करेंगे और बस 2 मिनट के लिए इसे भून लेना है। इसे ज़्यादा नहीं भूनेंगे, बस 2 मिनट के लिए ही भूनेंगे। मलाई ऐड करने से फ्रेंड्स ये चिकन ना बहुत ही क्रीमी बन के तैयार होगा, क्रीमी टेक्सचर का। तो आप इसमें मलाई यूज ज़रूर करें। तो ये मसाले बहुत अच्छे से भून गए हैं। तो अब हम इसमें कढ़ाई चिकन मसाला ऐड करेंगे, जो हमने बनाकर रखा था। तो इसमें ऐड करने के बाद इसे मिक्स करेंगे और इसे 2 मिनट के लिए भूनेंगे।
हमें इस मसालों को ज़्यादा नहीं भुनना है, बस 2 मिनट के लिए ही भुनना है क्योंकि हमने पहले ही इसको रोस्ट कर लिया था। तो अब हम इसे 2 मिनट के लिए भून लेंगे अच्छे से। और ये मसाला ऐड करने के बाद इस चिकन का स्वाद बिल्कुल चेंज हो जाएगा, इतना टेस्टी बनकर तैयार होगा फ्रेंड्स कि आप खुद ट्राई कीजिएगा और फिर मुझे बताइएगा आपका ये चिकन कैसा बना है। तो अब हम इसमें आधी छोटी चम्मच गरम मसाला ऐड कर देंगे और इसे 1 मिनट के लिए और भून लेंगे। तो ये मसाले बहुत अच्छे से भून गए हैं, तो अब हम इसमें ये फ्राई किए हुए चिकन ऐड कर देंगे। तो सारे चिकन के पीसेस को हम इसमें ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। हमें अब इसे दोबारा नहीं भूनना है क्योंकि चिकन भी अच्छे से फ्राई हो गए थे और मसाले भी हमारे अच्छे से भून गए हैं। तो अब हम बिल्कुल इसे मिक्स करेंगे बस, और इसमें पानी ऐड करेंगे। तो यहाँ पे बहुत अच्छे से मिक्स हो गए हैं, तो मैं इसमें गर्म पानी यूज कर रही हूँ। आप भी गर्म पानी का ही यूज कीजिएगा चिकन में, इससे इसका टेस्ट अच्छा बना रहता है। तो पानी आप अपने अनुसार ऐड कर लीजिएगा, कम और ज़्यादा कर लीजिएगा, आपको कैसी ग्रेवी चाहिए। तो मुझे थोड़ा सा ग्रेवी कम लग रहा है, पानी कम लग रहा है, तो मैं इसमें थोड़ा सा और पानी ऐड कर रही हूँ। अच्छे से मिक्स कर देंगे। हमें चिकन को अभी और 10 से 15 मिनट के लिए पकाना है जिससे कि चिकन 20% और अच्छे से पक जाए। तो हम इसे कवर कर देंगे और इसे पकने देंगे 10 मिनट के लिए। तो यहाँ पे 10 मिनट हो गए हैं, तो अब हम इस चिकन में ऐड करेंगे ये प्याज और शिमला मिर्च जो हमने इसको फ्राई करके रखा था। तो आप 10 मिनट बाद ही इसमें इसको ऐड करें, स्टार्ट में इसको ऐड ना करें, नहीं तो ये बहुत ही सॉफ्ट हो जाएगा और इसका टेस्ट बिल्कुल इसमें नहीं आएगा। तो हमें इसे चिकन पकने से 5 मिनट पहले इसमें ऐड करना है और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसे और 5 मिनट के लिए पका लेंगे। तो दोबारा से मैंने इसे कवर कर दिया है और 5 मिनट के लिए इसे पकने देंगे। तो 5 मिनट हो गए हैं, अब हम चिकन को चेक कर लेते हैं। और उसके चिकन ये जो है ना बहुत अच्छे से बन के तैयार हो गया है। तो उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे ये कसूरी मेथी और कटा हुआ धनिया का पत्ता जिससे इसका फ्लेवर और भी दुगना हो जाएगा। तो ये चिकन बहुत अच्छे से बनकर तैयार है, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल, बहुत ही टेस्टी। तो चलिए अब इसे हम सर्व कर लेते हैं। ये लीजिए, बिल्कुल चिकन बन के तैयार है, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में और बहुत ही स्वादिष्ट। तो आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इतना सॉफ्ट बन के तैयार होता है फ्रेंड्स कि आप बनाकर खुद हैरान हो जाओगे, और बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होता है। ये देखिए कितना अच्छे से ये कट रहा है, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही सॉफ्ट बना है चिकन। तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।